हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर। पिछली वीडियो में मैंने दो अंक का जो है लड़ाना बताया था, तो आज हम देख लेते हैं तीन अंक के लिए। बहुत से बच्चे कह रहे हैं सर आप तीन अंक का बताइए, तो उसी क्रम में आज हमने तीन अंक का लड़ाना जो है इस पे मैंने किया हूँ। तो चलिए देख लेते हैं, यानी घटाना, सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन तो हमारा पहला सवाल है, 8√6 −2√6 −3√6। देखिए सिक्स तीनों कॉमन है, तो हम क्या करेंगे, ये प्लस में है, 8√6 प्लस में है, बाकी ये दो माइनस में है, इतना ध्यान देना है। तो हम यहाँ क्या करें, 8√6 लिख लेते हैं पहले, माइनस इधर से 3√2, 3 × 2 = 5 हो जाएंगे, 5√6। पाँच जब घटेगा, 8 × 5 = 3√6, 8 × 5 = 3√6 आ जाएगा। 3√6 हम ऐसे बना देते हैं, 3√6, यही आंसर हो जाएगा हमारा। तो सवाल नंबर एक का आंसर है 3√6। दूसरा सवाल है 6√5 −2√5 −2√5। इसमें देखो तीनों कॉमन है, 5 5 5, तो क्या होगा, ए प्लस में, ए दो माइनस में, ये दोनों जुड़ जाएंगे, 6√5 इधर 2 2 4 −4√5, क्या हो जाएगा, 6 में से 4 गए 2, 2√5, यही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर दो का आंसर है 2√5। चलिए देख लेते हैं सवाल नंबर 3, 7√10 −3√7 −5√10। अब देखिए इसमें ये दो समान हैं, 10 10 समान है, और एक बीच में आसमान है, √7 आसमान है, तो क्या करेंगे हम, 7√10 माइनस क्या करेंगे, पहले हम 5 5, यहाँ कैसे कर देते हैं, 5√10 5√10, उसके बाद क्या आएगा, देखो ये समान है, ये भी रहेगा 3√7, तब क्या होगा, 7 इधर 5, 7 में से 5 गए 2√10 −3√7, ये आंसर हो जाएगा। तो आंसर हमारा जो बनेगा सवाल नंबर 3 का, सर बनेगा 2√10 −3√7, यही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4, 3√5 −√5 −√3। देखिए 3 − 5, उसके बाद क्या होगा, 5 ये भी समान है, यहाँ पे नहीं है तो कुछ कुछ ना हो तो 1 मान लिया जाता है, ये तो समान हो गया, −3, ये समान, 3 आसमान है, बाकी दो समान है, तो क्या करेंगे, ये दो मान लो समान है, ये समान है, बाकी ये आसमान है, यहाँ से 3 − 1 = 2 √5 −3, ये आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 का आंसर है 2√5 −3√3, 2√5 −√3 आंसर है। सवाल नंबर हम 5 देख लेते हैं, 5√7 −√4 −√7, तो क्या होगा, अब इसमें समान कौन है, ये समान, तो 5√7 −1√7 −4, और यहाँ चला आएगा, क्योंकि ये असमान है, ये समान है, ये दोनों समान है, यहाँ चला आएगा, उसके बाद देखिए क्या होता है, 5 5 में से 1 गए 4 आएगा, 4√7 −√4,
यही आंसर हो जाएगा इसका। इसका आंसर सवाल नंबर 5 का आंसर है 4√7 − √4 आंसर है। हम आगे देखते हैं सवाल नंबर 6, 9√2 − 2√8 − 3√2। तो यहाँ पे समान कौन है, समान ए है, पहला लास्ट में, ए प्लस में है ए माइनस में है। तो क्या होगा 9√2 − 3√2 − 2√8, क्योंकि ये असमान है, वैसे बाद में रख दिया जाएगा, इसमें से घटा देगा। 9 में से 3 गए 6√2 और −2√8, यही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 6√2 − 2√8 यहाँ तक। तो मित्रों बस इतना ही था अभी, तो आप यहाँ से लेकर पूरा यहाँ से लेकर यहाँ तक नोट कर लीजिए, अब आप लोग भी नोट कर लीजिए। तो मित्रों वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। प्लीज़ जो बच्चे अभी नए जुड़े हैं वो एक बार वीडियो को ज़रूर देखें, इसके पहले भले आपको कुछ नहीं समझ में आता हो लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपको सब कुछ समझ में आने लगेगा और आप एग्ज़ाम में बेहतर कर पाएंगे। प्लीज़ मेरे चैनल संघर्ष क्लासेस संसारपुर को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन बटन दबाकर ऑल का बटन दबाएं और दोस्तों में भी शेयर करें। आप सभी छात्र इतनी देर से जुड़े रहे, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, थैंक यू।